श्रीगंगानगर के घरसाना में पुलिस और प्रशासन मॉडिफाइड लॉकडाउन को और ज्यादा सख्ती से लागू करवा रहे हैं। इस दौरान एसडीएम रामावतार कुमावत व थानाधिकारी विजेंद्र सीला ने अंबेडकर चौक व धान मंडी में व्यवस्थाओं का जायजा लिया और वाहन चालकों से पूछताछ की। एक बाइक पर एक से अधिक सवारी होने पर जब्ती की कार्रवाई की गई। वहीं धान मंडी में प्रवेश करने वाले वाहन चालकों की गहनता से जांच पड़ताल की गई। महामारी को लेकर कहीं ना कहीं आज पुलिस प्रशासन बिल्कुल अलर्ट नजर आ रहा है। कुछ दिनों से धान मंडी में अव्यवस्थाओं का आलम था, जिस पर आज पुलिस महकमा बिल्कुल चाक चौबंद नजर बनाए हुए है। वहीं ड्रोन कैमरे द्वारा पूरी नजर रखी हुई है। हमारे साथ पुलिस महकमे से गुरमीत सिंह जी मौजूद है, हम उनसे बातचीत करते हैं। सर, क्या व्यवस्था आज की गई है? हमने हमेशा की तरह लोगों को आने जाने जरूरी काम से जो जा रहे हैं उनको जाने दिया जा रहा है, और अनावश्यक जो व्हीकल लेके घूम रहे थे उनको धान मंडी के अंदर मेन गेट में प्रवेश ही निकलने दे रहे हैं। जिसे तो काम है वो पैदल ही जा रहे हैं। इसलिए ये महामारी का रोग है, संक्रमण फैलने से रोकने के लिए ये उपाय, इसके अलावा कोई उपाय नहीं है। बिल्कुल, राज्य सरकार और केंद्र सरकार द्वारा बार बार ये मास्क पहनने की विधाई दी जाती है, क्या उस प्रकार की व्यवस्था भी आपके द्वारा की गई है? हाँ जी बिल्कुल, प्रत्येक नागरिक को हम जो भी है सबको आज टोकाटकी कर रहे हैं कि आप सब मास्क पहने और कोई भी बिना मास्क नहीं घूमेगा। बिल्कुल, देख सकते हैं आप कि पुलिस महकमे बिल्कुल अलर्ट है, चाक चौबंद निगाहें बनाए हुए है। बिना वजह घूमने वाले वाहन चालकों पर कार्रवाई भी की जा रही है। वही एवन टीवी तमाम लोगों से ये आग्रह करता है कि घर पर रहे ताकि इस वैश्विक महामारी से बचा जा सके। मैं मेरे कैमरामैन चिन्नू स्वामी के साथ विकास परिक, एवन टीवी घरसाना।